हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रूल फॉर रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन। तो आज की स्टूडियो में आपको रिटेनिंग वॉल से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप रिटेनिंग वॉल में बेस्ट स्लैब की विड्थ, बेस्ट स्लैब की थिकनेस, टॉल लेंथ और स्टेम का टॉप निकाल पाओगे और ये ग्रेडियंट कितना होता है वो भी निकाल पाओगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन हर नए नए वीडियो की मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिटेनिंग वॉल के बारे में बता दूं कि जो रिटेनिंग वॉल होते हैं उसके चार टाइप होते हैं, ठीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइप फर्स्ट ग्रेविटी वॉल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको रिटेनिंग वॉल के कितने टाइप है वो आपको बता देता हूँ। तो रिटेनिंग वॉल के चार टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेविटी वॉल, सेकेंड होता है सेमी ग्रेविटी वॉल, थर्ड होता है कैंटिलीवर वॉल और जो चौथा होता है काउंटर फोर्ड वॉल। और यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटी वॉल के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो ग्रेविटी वॉल होती है उसमें हम बेस्ट स्लैब की थिकनेस, बेस्ट स्लैब की विड्थ, ठीक है, और बेस्ट स्लैब की टॉल लेंथ, स्टेम का टॉप, उसका ये ग्रेडियंट कितना होता है वो निकालना आपको मैं बताता हूँ। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है किसका, ग्रेविटी वॉल का, कुछ इस प्रकार से रहता है। ये हमारी बेस्ट स्लैब होती है और ये हमारा स्टेम होता है, जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया है। बेस्ट स्लैब के बॉटम से स्टेम के टॉप तक की हाइट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और ये बेस्ट स्लैब उसकी विड्थ को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है। बेस्ट स्लैब की थिकनेस को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा स्टेम है, ओके, और ये हमारा हिल वाला एरिया होता है, ठीक है, और ये हमारी टो वाला एरिया है। हिल एरिया में हमको जो मिट्टी रहती है, जो सोइल रहती है, जो लोड वाला एरिया रहता है वो हमारा ये हिल वाला एरिया रहता है। यहाँ इसी एरिया में हमको मिट्टी फिलिंग करनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं, पहला हमारा पॉइंट है बेस्ट स्लैब विड्थ, ठीक है। तो पहला पॉइंट में हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, सॉरी विड्थ, बेस्ट स्लैब की विड्थ के बारे में बात हो रही है कि बेस्ट स्लैब की विड्थ हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, बेस्ट स्लैब की विड्थ के लिए होता है बी को हम ले सकते हैं, बेस्ट स्लैब की विड्थ को ले सकते हैं ग्रेविटी वॉल में, ओके, 0.5 से 0.7 एच, ठीक है, इसके बीच में हम इसकी विड्थ को ले सकते हैं, ओके, कितना, 0.5 to 0.7 एच, ओके। ये जो है जो मीटर में है, ओके, यहाँ पर ये मीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो सेकेंड हमारा बेस्ट स्लैब थिकनेस, तो यहाँ पर हमारा जो बात हो रहा है वो ये थिकनेस की बात हो रही है, ठीक है, बेस्ट स्लैब की थिकनेस की, ओके। इसको हमने रिप्रेजेंट किया था कैसे, डी से। तो हम बेस्ट स्लैब की थिकनेस कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एच बाय 8 से एच बाय 6, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी हाइट है, हाइट का 8वें से 6ठे के भाग के बीच में हमारी इस बेस्ट स्लैब की थिकनेस होती है, ओके। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, स्टेम थिकनेस, या कह सकते हो स्टेम टॉप। तो किसकी बात हो रही है, स्टेम के थिकनेस की या स्टेम के टॉप की, कि ये कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, तो वो स्टेम थिकनेस होता है हमारा 0.3 मीटर, ओके, 0.3 मीटर से होता है एच बाय 12। एच बाय 12 मतलब हमारा जो जो टोटल हाइट रहती है उसका 12वें भाग के और मिनिमम कितना 0.3 मीटर के बीच में होता है, ओके, क्या, हमारा स्टेम का टॉप, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टॉल लेंथ। टॉल लेंथ हमारा कौन सा पॉइंट है, कौन सा है, जे वाला एरिया, ओके। हमको ये वाला लेंथ निकालना है, टॉल लेंथ अगर निकालना है तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए रहता है डी बाई 2। अब हमारा डी क्या था, ये था हमारा बेस्ट स्लैब की थिकनेस, ओके। तो वो होता है हमारा टॉल लेंथ हो रह सकती है डी बाई 2 से डी तक, मतलब बेस्ट स्लैब के आधे से बेस्ट स्लैब के बराबर हमारी टॉल लेंथ होनी चाहिए, किसमें, ये हम ग्रेविटी वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट है जो ज़रूरी है वो है स्टेम ग्रेडियंट, ठीक है, उसको मैंने कौन सा साइड दिया है, ये वाला टो साइड वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था,
टो साइड, ओके, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। जो स्टेम जो ग्रेडियंट होता है, तो ये हमारे इस ग्रेडियंट की बात हो रही है कि इसका ग्रेडियंट, ये स्लोप वो कितना होता है, तो वो स्लोप होता है 1:48 का, ओके, 1:48 का हमारा ये स्लोप होता है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैंटिलीवर वॉल के बारे में, कि उसमें भी हम डायमेंशन निकालना बताएंगे कि उसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।